दोस्तों स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मा में। मैं हूं नितिन काजला। आज आपको दिखाता हूं हेलीकॉप्टर से कटरा शहर का नज़ारा और मां के भवन का नज़ारा। तो ये हेलीकॉप्टर की यात्रा हमने इस नवरात्रों में की थी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं यहां से निकल के कोशिश करूंगा कि माता रानी के भवन पर पहुँचा जाए, तो देखता हूँ किस तरह से जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी ट्राई करूँगा, अगर टिकट मिल गया तो उसमें जाऊँगा, नहीं तो पैदल रास्ता तो है ही। तो साथियों, माता रानी के आशीर्वाद से हेलीकॉप्टर की टिकट भी मिल गई। ढाई ढाई महीने से नहीं मिल रही थी, 15-20 मिनट की लाइन में लग के टिकट मिल गई। अब हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे। माता रानी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। तो ये अपनी राइड शुरू हो गई और कटरा में जो हेलीपैड है उससे हम उड़े और हम पहुंचेंगे सांझी छत तक। सांझी छत तक पहुंच के फिर वहां से पैदल रास्ता लेंगे भवन का। तो कुल मिला के ये 3.5-4 मिनट की फ्लाइट होने वाली है। तो आप लीजिए आनंद कटरा शहर के खूबसूरत व्यू का, और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है। फिर हम उतर गए हेलीकॉप्टर से और बाहर आके कुछ फुटेज आप लोगों के लिए लिए हैं कि किस तरह से सांझी छत पे हेलीकॉप्टर आता है और सवारी लेके वापस चला जाता है। अच्छी लोकेशन ये मिल गई थी यहाँ से शूटिंग करने के लिए, तो आप भी देखिए। आया और एक मिनट करीब रुका और फिर चला गया। इसी तरह से अलग अलग राउंड ये रहे। अच्छा, बात करें अगर इसके किराए की, तो 1045 रुपये इसका किराया लगा कटरा से सांझी छत तक का। और बुकिंग की बात करें तो 2 माह पहले इसकी बुकिंग शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो टिकट कैंसिल हो जाते हैं या जो चक्कर ज़्यादा हो जाते हैं मौसम साफ रहने की वजह से, तो कुछ वैकेंसी बन जाती हैं, उनको तत्काल में करंट बुकिंग में दिया जाता है। और करंट की बुकिंग मनोकामना भवन से कटरा में ही हो जाती है। वो मैंने ट्राई किया था और माता रानी के आशीर्वाद से मुझे वो टिकट मिल गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और आप लोगों को आज ये वीडियो देखने को मिल गई जिसकी मुझे भी कोई आशा नहीं थी कि कभी मैं भविष्य में इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। ये अच्छा मौका लगा, माता रानी का आशीर्वाद मिला और आपने पूरे कटरा शहर का व्यू देखा, और इतना अच्छा मुझे अनुभव रहा, इतनी खुशी मुझे हुई कि मैं इसमें शामिल हुआ।
देखिए कितना सुंदर, जब ये उड़ते हैं बहुत बढ़िया आवाज़ आती है और आनंद आ जाता है पूरे रास्ते। दो हेलीकॉप्टर कंपनियां, एक हिमालयन हेलीकॉप्टर्स के नाम से है शायद और दूसरी ग्लोबल वेक्ट्रा के नाम से, ये दोनों इस क्षेत्र में ऑपरेट करती हैं। हिमालयन के दो हेलीकॉप्टर एक साथ काम करते हैं, आगे पीछे आते हैं, और वेक्ट्रा का एक आता है। दिन में अंदाजन 60 से और 90 तक फ्लाइट होती हैं, तो जिस दिन मैं गया था, ये वीडियो बन रही है उस दिन, लगभग 85-88 फ्लाइट एक हेलीकॉप्टर की हुई थी ग्लोबल वेक्ट्रा की, और 100 के करीब हिमालय की फ़्लाइट उसमें हुई थी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा, यहाँ से मैं आया हूँ, ये रास्ता हेलीपैड से आता है और ये यहाँ से आकर ये रास्ता सांझी छत से आ रहा है और ये भवन को जा रहा है। तो अब हम इस तरफ जाएंगे, ये आप देख रहे हैं हेलीपैड वाला रास्ता। जय माता दी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हेलीकॉप्टर का। तो दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।